दोस्तों मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कोच कार्टर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हम केन कार्टर को देखते हैं, जो रिचमंड कैलिफोर्निया में रहता है। केन कार्टर ने अपनी पढ़ाई रिचमंड हाई स्कूल से कम्प्लीट की है और इसी स्कूल की टीम के साथ वो बास्केटबॉल भी खेलता था। बास्केटबॉल में उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे जो अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। रिचमंड हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कोच अब रिटायर होने वाला है, लेकिन वो अपनी जगह पर केन कार्टर को बास्केटबॉल टीम का कोच बना देता है। वो कार्टर को अपनी टीम के प्लेयर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन उसकी टीम के प्लेयर्स बहुत ही बदतमीज है, जो किसी भी टीचर से अच्छे से बात नहीं करते और साथ ही वो प्लेयर्स पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे से खेलना नहीं आता। वो लगातार बहुत सारे मैचेस हार चुके हैं। टीम की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कार्टर इन सभी प्लेयर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो उनसे कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को तभी साइन करना जब तुम दिल से इस टीम में आना चाहते हो। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम्हें क्लास की फ्रंट रोज में बैठना है और तुम्हें कभी भी क्लास बंक नहीं करनी है और साथ ही तुम्हें हर क्लास में C+ ग्रेड से पास होना है। इसके बाद ही तुम मेरी टीम में आकर खेल सकते हो। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी क्लास को C+ ग्रेड में पास नहीं कर पाता था। उनमें से एक लड़का जिसका नाम क्रूज है, उसे ये शर्तें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो टीम को छोड़ देता है। वो कार्टर पर हाथ उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन कार्टर उसे रोक लेता है। इसके बाद क्रूज और उसके दोस्त इस टीम को छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि इस टीम के कुछ लड़के इतनी शर्तों के बावजूद भी कार्टर के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर उन बच्चों के पेरेंट्स कार्टर से नाराज हो जाते हैं। वो कार्टर से मिलने के लिए आते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी कार्टर उनसे कहता है कि अगर किसी को मेरी टीम में खेलना है तो उसे ये सब करके दिखाना होगा। कार्टर का अपना भी एक बेटा है जिसका नाम डेमियन है। डेमियन दूसरी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन ये बात सुनकर कि कार्टर रिचमंड्स को ज्वाइन कर रहा है, वो उस स्कूल से ट्रांसफर ले लेता है और रिचमंड को ज्वाइन कर लेता है। वो अपने डैड कार्टर से कहता है कि जितनी भी शर्तें आपने रखी है मैं उन सभी को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। और अगले दिन वो स्कूल में उसकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। कार्टर एक बहुत अच्छा कोच है, क्योंकि उसका बेटा जब अगले दिन टीम को ज्वाइन करता है तो वो अपने बेटे को भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट करता है, क्योंकि पहले ही दिन वो अपने बेटे को लेट आने के लिए सजा देता है। इसके बाद कार्टर अपनी टीम को ट्रेन करना स्टार्ट करता है। उनका जब पहला मैच होता है तो वो उस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो उस मैच को जीत जाते हैं और ये सब कार्टर की वजह से हो रहा था। क्रूज भी इस मैच को देखने के लिए आया था। वो भी देखता है कि कार्टर की वजह से उसके सभी दोस्तों का गेम इम्प्रूव हुआ है। क्रूज का एक कजन है जिसका नाम रैनी है। रैनी एक गैंगस्टर और एक ड्रग डीलर है। क्रूज भी कभी कभी अपने कजन रैनी के ड्रग्स को बेचता है, जिसके बदले रैनी उसे कुछ पैसे देता है। हालांकि क्रूज एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो गलत संगत में पड़ चुका है। लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि कार्टर की वजह से उसके दोस्त बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसीलिए वो वापस कार्टर के पास आता है और उसे कहता है कि मैं टीम को वापस ज्वाइन करना चाहता हूँ। कार्टर उसे टीम में अलाउ करता है, लेकिन वो क्रूज को एक सजा देता है जिसे क्रूज को एक हफ्ते में कंप्लीट करना है। कार्टर की शर्तें देखकर स्कूल की प्रिंसिपल गैरिसन को भी गुस्सा आता है। वो कार्टर को बुलाकर कहती है कि तुम्हारी इन शर्तों पर कोई भी स्टूडेंट खरा नहीं उतर पाएगा। अच्छा होगा तुम उन्हें बास्केटबॉल सिखाओ, उनके एकेडमिक्स पर ध्यान मत दो। कार्टर उससे कहता है कि अगर मैं उन्हें बास्केटबॉल सिखाऊंगा तो सिर्फ अपनी शर्तों पर और अपने तरीके से, मुझे इसमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्रूज अपनी सजा को एक हफ्ते में कंप्लीट करने में नाकाम हो जाता है, इसलिए कार्टर उससे कहता है कि तुम टीम में नहीं आ सकते। ये बात सुनकर उसकी टीम के बाकी मेंबर्स उसकी सजा को कंप्लीट करने का ऑफर रखते हैं। कार्टर इसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद उसकी टीम के बाकी मेंबर्स उसकी सजा को कंप्लीट करते हैं। अब कार्टर की कोचिंग के बाद दिन ब दिन इस टीम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। वो एक के बाद एक मैच जीत जाते हैं, लेकिन वो जब अपना चौथा मैच खेलते हैं तो वो दूसरी टीम के प्लेयर्स को ह्यूमिलेट करते हैं। और मैच खत्म होने के बाद कार्टर अपने प्लेयर्स को समझाता है कि तुम्हें दूसरी टीम के प्लेयर्स को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्लास दिखानी चाहिए, तुम अब चैंपियंस बनने वाले हो, लेकिन तुम अभी भी छपरी लोगों की हरकतें कर रहे हो, तुम्हें अपनी हरकतों को सुधारना होगा। कार्टर को लग रहा था कि उसके प्लेयर्स शायद क्लासेस को भी रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसका एक प्लेयर जिसका नाम जूनियर बैटल है,
वो क्लास को अटेंड नहीं करता है, इसलिए कार्टर अपनी टीम के पास आता है और जूनियर बैटल को टीम से सस्पेंड कर देता है। हालांकि जूनियर बैटल उसकी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है, लेकिन कार्टर का फैसला अटल है। वहीं दूसरी तरफ उसकी टीम का कैप्टन, जिसका नाम स्टोन है, वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम कायरा है। कायरा प्रेग्नेंट होती है, लेकिन स्टोन अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए कायरा के साथ उसकी रिलेशन अच्छी नहीं जा रही है। एक दिन जब कार्टर अपनी स्पोर्ट शॉप पर होता है, तभी उसके पास जूनियर बैटल की माँ आती है। उसे पता चल चुका था कि उसके बेटे को टीम से सस्पेंड किया गया है, इसलिए वो कार्टर से कहती है कि 2 साल पहले मेरे बड़े बेटे को मार दिया गया था, जिसके बाद हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। बैटल भी इन्हीं हालात से जूझ रहा है, इसलिए वो क्लास को कभी कभी अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन आपको उसे टीम में लेना ही होगा क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसके लिए वो दिल से मेहनत करता है। बैटल खुद भी कार्टर के पास आकर उससे माफी मांगता है, जिसके बाद कार्टर उसे टीम में रखने के लिए तैयार हो जाता है। कार्टर अपनी बास्केटबॉल टीम पर बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और कार्टर के अपने प्लेयर्स के साथ रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और अब वो टाइम आ जाता है जब कार्टर की टीम बेहिल नाम के एक टूर्नामेंट में परफॉर्म करने वाली थी। कार्टर की गाइडेंस में उसकी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और उनकी परफॉर्मेंस देखकर बाकी स्कूल भी परेशान रह जाते हैं, क्योंकि पिछली बार वो इस चैंपियनशिप में कोई भी मैच नहीं जीते थे। रिचमंड स्कूल की टीम पिछली बार बहुत साल पहले एक चैंपियनशिप जीती थी और तब से अब तक ये टीम स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अब कोच कार्टर के आने की वजह से वो लोग फिर से ट्रैक पर आ जाते हैं और लगातार मैच जीते हैं। ये टीम एक होटल में रुकी हुई थी, लेकिन रात में इस टीम के सभी प्लेयर्स एक पार्टी में चले जाते हैं और वो भी कोच कार्टर को बिना बताए। उन्हें लग रहा था कि कार्टर शायद सो गया होगा, लेकिन कार्टर अभी तक जाग रहा था। कार्टर रात में अपने बेटे से बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि टीम इस होटल में नहीं है, वो लोग बाहर जा चुके हैं। तब तक उसकी टीम भी उस पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर वो लड़कियों के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन कार्टर भी उनके पीछे पीछे उसी पार्टी में पहुंच जाता है और सभी स्टूडेंट्स को डांटता है और उन्हें वहां से ले जाता है। कार्टर को टीम के पार्टी में जाने पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो टीम के सभी प्लेयर्स को बहुत जबरदस्त फटकार लगाता है। कुछ दिनों बाद कार्टर के पास उसके सभी प्लेयर्स की मार्कशीट्स आती है, जिनमें वो देखता है कि उसके बहुत सारे प्लेयर्स सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं, यानी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। इससे कार्टर को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने बास्केटबॉल कोर्ट पर ताला लगा देता है और स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में आने के लिए कहता है। लाइब्रेरी में वो अपने सभी प्लेयर्स से कहता है कि तुम में से बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं, जब तक वो प्लेयर्स उन सब्जेक्ट्स को पास नहीं करेंगे तब तक बास्केटबॉल कोर्ट बंद रहेगा, ना ही तब तक कोई प्रैक्टिस होगी और ना ही ये टीम तब तक कोई मैच खेलेगी। लेकिन इस हरकत से क्रूज को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो कार्टर पर फिर से चिल्लाता है और टीम को छोड़कर चला जाता है। अपने प्लेयर्स के ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए कार्टर बहुत सारे मैचेस को कैंसिल कर देता है, जिससे ये मामला मीडिया का अटेंशन पकड़ लेता है। मीडिया कह रही थी कि ये टीम इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसी साल इस टीम के मैचेस कैंसिल क्यों हो रहे हैं? वो कार्टर से जवाब चाहते थे। तभी कार्टर उन्हें बताता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक्स में भी अच्छा बनाना चाहता है, ताकि आगे चलकर वो अपनी लाइफ में कामयाब हो सके, क्योंकि उनके स्कूल से बहुत ही कम स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो पाते हैं और बहुत ही कम कॉलेज जा पाते हैं, इसीलिए ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कार्टर अपने स्टूडेंट्स के पास लाइब्रेरी में जाता है और उन्हें समझाता है कि मैं जब इस स्कूल में पढ़ता था तो हमारी भी एक बास्केटबॉल टीम थी, हम भी तुम्हारी तरह एकेडमिक्स में परफॉर्म नहीं करते थे, हम भी अपनी क्लासेस को बंक करते थे, लेकिन हमने जब स्कूल खत्म किया तो हम में से कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कॉलेज में एडमिशन ले पाए। मेरे कुछ दोस्त गैंगस्टर्स बन गए और बाद में मारे गए, और कुछ लोग इस बदलती हुई दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर पाए, लेकिन आज जब मैं अपनी लाइफ पर नजर डालता हूँ तो मैं शुक्र करता हूँ कि मैंने अपनी एकेडमिक्स पर भी ध्यान दिया। इसलिए मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि तुम भी अपनी एकेडमिक्स पर ध्यान दो, ताकि तुम अपनी लाइफ में फेल ना हो पाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हाल मेरे दोस्तों की तरह हो। वो उन्हें बहुत अच्छे से समझाता है और अब की बार उसके प्लेयर्स भी उसकी बात को समझ जाते हैं और वो भी अब दिल से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। उसके प्लेयर्स अब अपनी क्लासेस को भी रेगुलरली अटेंड करते हैं। कार्टर ने जैसे कसम खाई थी कि जब तक उसके प्लेयर्स C+ ग्रेड से पास नहीं होंगे तब तक वो कोई भी मैच नहीं होने देगा। वो एक के बाद एक मैचेस को कैंसिल कर रहा था
और इससे बाकी लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। उन प्लेयर्स के पेरेंट्स कार्टर से बहुत नाराज थे और साथ ही इस टीम के सपोर्टर्स भी बहुत गुस्से में लग रहे थे। वो लोग कार्टर की दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और रोड पर भी लोग कार्टर को बास्केटबॉल कोर्ट को खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन कार्टर किसी की बात नहीं सुनता। वो अपने फैसले पर अटल रहता है क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने प्लेयर्स की जिंदगी को सुधार कर ही रहेगा। यहाँ सीन क्रूज की तरह मुड़ता है। क्रूज अभी भी अपने कजन के लिए काम करता था, लेकिन एक दिन क्रूज के कजन को कोई उसके सामने ही गोली मार देता है। क्रूज उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बचता, और इस हादसे के बाद क्रूज को समझ आ जाता है कि अगर वो सही ट्रैक पर नहीं गया, अगर उसने कार्टर की बात नहीं मानी तो उसका हाल भी एक दिन ऐसा ही होगा। इसलिए वो रात में ही कार्टर के घर पे चला जाता है और कार्टर से माफी मांगकर अपने कजन की स्टोरी बताता है। कार्टर को भी पता चल जाता है कि क्रूज को इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए वो उसे सपोर्ट करता है और उसे टीम में वापस ले लेता है। अगले दिन स्कूल में कार्टर को बोर्ड मेंबर्स के सामने खड़ा किया जाता है। बोर्ड मेंबर्स चाहते थे कि कार्टर अब बास्केटबॉल कोर्ट को वापस खोले और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करे, लेकिन कार्टर यहाँ पर उन सभी से कहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए और इसके लिए उन्हें एकेडमिक्स में परफॉर्म करना ही होगा, और अगर आज आपने बास्केटबॉल कोर्ट को वापस खोल के मेरी कोशिश पर पानी फेरा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस जॉब से रिजाइन कर दूंगा। इसके बाद बोर्ड मेंबर्स के बीच वोटिंग होती है जिसमें से कार्टर को 4 में से सिर्फ 2 वोट्स मिलते हैं, यानी कार्टर की कोशिश नाकाम हो जाती है और इससे कार्टर दुखी हो जाता है और वो इस स्कूल को छोड़कर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो एक बार बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसकी टीम बास्केटबॉल कोर्ट में पढ़ाई कर रही है, यानी उन्होंने अब कार्टर की बातों को सीरियसली ले लिया है। उसके प्लेयर्स उससे कहते हैं कि जब तक हम अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे। ये बात सुनकर कार्टर बहुत खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो अब रिजाइन नहीं करेगा। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद उसके प्लेयर्स का एग्जाम होता है और कार्टर के पास उसके प्लेयर्स के एग्जाम रिजल्ट्स होते हैं। इस बार कार्टर बहुत खुश होता है क्योंकि उसके प्लेयर्स ने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अब वो प्रैक्टिस भी रिज्यूम कर देता है। इसके बाद कार्टर अपनी टीम को स्टेट चैंपियनशिप के लिए खिलाता है और इस चैंपियनशिप में कार्टर की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, वो लगातार मैच जीतते हैं। सभी को लग रहा था कि अब की बार स्टेट चैंपियनशिप कार्टर की टीम ही जीतेगी। यहाँ सीन स्टोन की तरफ मुड़ता है। स्टोन को भी समझ आ चुका था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो कुछ भी किया वो उसने बहुत गलत किया। कार्टर उन्हें सिर्फ बास्केटबॉल खेलना नहीं सिखा रहा था बल्कि वो उन्हें ये भी सिखा रहा था कि जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। इसीलिए रियलाइजेशन होने के बाद स्टोन अपनी गर्लफ्रेंड कायरा के पास आता है और उससे माफी मांगता है। वो कायरा के साथ पैचअप कर लेता है और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कायरा उससे कहती है कि मैंने अबॉर्शन करवा लिया है। स्टोन कहता है कि तुम्हें अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए था। तभी कायरा कहती है कि मेरे पास चॉइस थी इसलिए मैंने वो चॉइस ले ली। स्टोन कायरा से प्रॉमिस करता है कि अब वो पूरी लाइफ उसका ध्यान रखेगा, वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन कार्टर की टीम का मैच इस स्टेट की सबसे अच्छी टीम के साथ होने वाला था। उनकी ऑपोजिट टीम लगातार बहुत बार स्टेट चैंपियनशिप जीत चुकी थी। कार्टर की टीम इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन ऑपोजिट टीम सिर्फ 2 पॉइंट से मैच जीत जाती है। ऑपोजिट टीम का कैप्टन भी उनकी गेम की तारीफ करता है और बाकी लोग भी उनकी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी मिनट तक अपनी टीम को कांटे की टक्कर दी। और इस बार कार्टर भी अपनी टीम से नाराज नहीं होता। वो अपनी टीम को समझाता है कि हार जीत गेम का एक पार्ट है। गेम का फैसला इस बात से होता है कि हमने किस तरह खेला, और आज मैं तुम्हारी गेम देखकर बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने आखिरी मिनट तक हार नहीं मानी। और ये बात सुनकर उसकी टीम के प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि उन प्लेयर्स के फ्यूचर में उनके साथ क्या हुआ। रिचमंड की टीम उस बार स्टेट चैंपियनशिप नहीं जीत पाई लेकिन उनकी टीम ने 5 स्कॉलरशिप जीती और 6 मेंबर्स उनमें से कॉलेज भी जा पाए। जूनियर बैटल को स्टेट यूनिवर्सिटी में फुल टाइम स्कॉलरशिप मिली। वहीं लायल को सैन डिएगो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। क्रूज को भी हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला जिसके बाद वो स्टार्टिंग गार्ड बन गया। इनकी टीम के कैप्टन वर्म को सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली जिसके बाद उसने 4 साल तक पॉइंट गार्ड पोजीशन पर खेला। कैनियन स्टोन को भी सैक्रामेंटो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला
और वहाँ पर उसने कम्युनिकेशंस में अपनी डिग्री हासिल की। केन कार्टर के बेटे डेमियन कार्टर को भी यूएस मिलिट्री एकेडमी में एक स्कॉलरशिप मिली, यानी लगभग कार्टर की टीम के सभी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कामयाब हो गए। दोस्तों, इस मूवी को एक्सप्लेन करने का सिर्फ हमारा एक ही मकसद था, ताकि हम आप तक ये मैसेज पहुँचा सके कि एक अच्छा टीचर हमेशा आपकी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करता है। वो हमेशा आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहता है। कभी कभार हमें लगता है कि हमारे टीचर्स हम पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये टीचर्स को ही पता होता है कि वो फ्यूचर में हमें क्या देखना चाहते हैं। इसलिए कभी भी अपनी टीचर की तीखी बातों को अपनी बेइज्जती मत समझिए। माँ बाप से ज्यादा हमारी जिंदगी में हमारे टीचर्स एक अहम रोल अदा करते हैं, और हमारा फ्यूचर बनाना हमेशा टीचर्स के हाथ में होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।